झुंझुनू पंचायत समिति के वार्ड नंबर 4 के उपचुनाव का परिणाम आज घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। दरअसल कांग्रेस के प्रत्याशी सुदेश कुमार ने भाजपा के विनोद कुमार को 227 मतों से हराया है। पहले यह सीट भाजपा के पास थी, अब कांग्रेस ने भाजपा से यह सीट छीन ली है, जिसके कारण कांग्रेस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जीते हुए प्रत्याशी सुदेश कुमार ने इसी कार्यकर्ताओं तथा परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला के विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं। इससे पहले आज पंचायत समिति परिसर में ईवीएम मशीनों में कैद वोटों की गिनती हुई, जिसके कांग्रेस प्रत्याशी सुदेश कुमार को 1842 तथा बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार को 1615 वोट मिले। तीसरे प्रत्याशी को महज 10 वोटों से संतोष करना पड़ा। तो वहीं नोटा के खाते में भी 14 वोट गए। चुनाव परिणाम घोषित करने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई, वहीं भाजपा के खेमे में मायूसी छा गई। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 4 में बीजेपी की मुकेश देवी पहले सदस्य थी, लेकिन उनका चयन सरकारी सेवा में होने के कारण उन्होंने सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह सीट खाली हुई थी। चुनावी साल में कांग्रेस के खाते में गई इस जीत से कार्यकर्ताओं में और अधिक ज्यादा जोश पैदा होगा। परिणाम जो जनता चाहती थी परिणाम वही हुआ, और जनता और कार्यकर्ता ने बहुत ही, जो हमारे मंत्री साहब ने जो काम किए हैं उन कामों को मद्देनजर देखते हुए जनता ने मत किए हैं, और जो उनके काम किए उन पर सब कुछ खरे उतरना कार्यकर्ता और हर वोटर का जो कर्म धर्म था वो उन्होंने निभाया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को वहाँ तक लेके गए हैं, और आने वाले टाइम में और ऊंचाइयों पर हमारी पंचायत जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 227 वोटों से हम विजयी हुए हैं।